Good morning students, chapter 4, theoretical concept of operating system. Recall last week class, okay? So in last week we studying about operating system. So na unga oru clue kudutten, operating system endradhu yaar mari? Yeah, good, our mother, nammala amma. So command pandradhula irundhu, nammala control pandradhula irundhu, nammala provide pandradhula irundhu, everything she did. So same way operating system da system la computer la namalukku theviyana ellathayume command pannudhu provide pannudhu everything okay so next then here key features of operating system so idha nama last week paathoda continuation so last week everything intro kuduthen here we deeply study one by one so user interface means first of all vandu system find pannava das अंदमि कमेंड प्राप्ता सो एव्रिथिंग टेक्स्टा यू कान डिप ईसिली यार वो आप्रेट पड़ मुझा सिस्टम लांग्वेज नोन पर्सन ओनली दट आप्रेटड बट नव डेस् वाट आपन मीन इट विल बी दर एव्रिथिंग इज अ पिक्चर ओरियंटेशन इन और फैल टेक पड़ना अगर फैल और पिक्चर प्रिंट पड़ोना प्रिंटर पिक्चर कट पड़नों अंदर एव्रिथिंग वाट हेपन मीन एव्रिथिंग पिक्चर ओरियंटेड ईसिली यू कैन ऐडेंटिफाई यार नाल सर अब सिस्टम पत्ती एजुकेटेड पर्सन क्या एनी वन कैन ईसिली यूज दट वर्ड सो इट्स अ यूजर इंटरफेस अब सो ओके ग्राफिकल पड़म सो अकानुवा सो अकान वेरी वेरी ईसी देना बेनिफिट्स अब लेट्स पॉइंट्स ओके लांगर टाइम सो नमक इंटरफेस ईसिया नम टते वो टू पाता एव्री वर्क्स वो ईसिया जस्ट इट विल बी एस ए कंप्लीटेड अंड देन कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नीड्स तक मार नम एप्लिकेशन क्रिएट पड़ा देन यूजर्स प्रीवियस टाइम्स वो रोम इंपार्टा अयते वो नमक वो सेव पड़ी को सैटिस्फाई द कस्टमर कस्टमर्स सैटिस्फाई पड़े सो दिस वे एव्रिथिंग इज यूज फॉर द इंटरफेस नेक्स्ट मेमरी मैनेजमेंट सो मेमरी मैनेजमेंट या नम्बर यापकोस्तान नमला वन बै वन अदार सिस्टम मेमरी मेन कंट्रोलिंग अंड कोऑर्डिनेटिंग दीस् टू आक्टिविटी वेरी वेरी इंपार्ट आक्टिविटी दीस् टू आक्टिविटी इस इंपार्ट आक्टिविटी वाट आर द आक्टिविटी कंट्रोलिंग अंड कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलन अंत वर्क्स एप्ली कंट्रोल पड़े वन बै वन सो इन नम सर टाइम नम्बर पार्टी कटिटोम अट टाइम टाइप पड़िटोम देन इट विल बी एस और प्रिंट पड़को सो इतमी अंत वर्क्स कंट्रोल पड़े अंड कोऑर्डिनेटिंग ये फर्स्ट पड़नों एव्रिथि पड़ेदा इत मेमरी मैनेजमेंट इतना अलोकेशन आफ स्पेसिफिक मेमरी ये अलोकेशन पड़नों अब पड़े सो इत वो नम अपना करेक्टा अलोकेशन अंड डी अलोकेशन सब डिलीट पड़ी पाँच डिलीट पड़ा करेक्टा पड़ा अलोकेट पड़ा करेक्टा अंत मेमरी पे स्टोर आगे सो एव्रिथि इट विल बी यूसिंग द मेमरी मैनेजमेंट third one is process management the process management is very very important thing so in the process management la there are four types of process management there what are the four type fifo sdf round robin based on priority these are the four types what are the types yes fifo sdf round robin based on priority what is meant by fifo fifo means first in first out so ipo nama queue la nippo varisaila poi वसल निकोद फर्स्ट यार नम्बर क्यूल निको अर्क टिकेट कौंटर टिकेट टेक पड़ा अब टिकेट वर्वा नम्बर वर्क एंकुक फर्स्ट पे ना वर्क्स को कंप्यूटर ना वर्क पाटे और पक पड़प अनदर वन टेम्स अंगे वो आटो अब नम्बर सुनमारी प्रिंट पेटो वर्क फर्स्ट को ना वो अट्ठम रे टैप यूस पड़ी रे टेपन रे ना ये पातर विंडोस रे स्क्रीन अं स्क्रीन रे वर्क और पक इन सेव पड़िटो इन आल्टर पड़िटोमी वर्क्स पड़िटे एलें फर्स्ट इन एंत वर्क इन कुमो अल वो सो इतना फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट अवट शेड्यूलिंग देन सेकंड वन इज कॉल्ड एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंत वर्क चिना वर्क इं वर्क और वर्क वो सिक्स किलो बैट्स अनदर वर्क वो नयन किलो बैट्स इं वर्क फर्स्ट मुझे अब पाता अब वो शॉर्टेस्ट जॉब चिना जॉब चिन्ह या गुड सिक्स किलो बैट्स चिना अंद वर्क असैन पड़ी वे वो ओके थर्ड वन इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग द राउंड इन दट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ரவுண்ட் ராபின் ஷெட்யூல்டிங். ரவுண்ட் ராபின் ஷெட்யூல்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா, இப்போ ஒரு த்ரீ ஒர்க்ஸ் இருக்குது, கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னென்னா, இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒர்க்குக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ராசஸ் அவுட்புட் கொடுக்கும், அடுத்து பி ஒர்க்குக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ், அடுத்து சி ஒர்க்குக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ், ஓகே, தென் திருப்பி ஏ ஒர்க்குக்கு, தென் பி ஒர்க்குக்கு, டவுன் தென் சி ஒர்க்கு, இப்படி ரவுண்ட் ராபின். இப்போ ஒரு பி ஒர்க் மட்டும் கம்ப்ளீட், அப்போ பியை விட்டுறோம், நெக்ஸ்ட்டு ஏக்கும் சிக்கும் மட்டும் அந்த ஒர்க் அலோகேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதோட மெத்தட் பேர் ரவுண்ட் ராபின் ஷெட்யூலிங். தென் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி, ப்ரியாரிட்டி ப்ரியாரிட்டினா, இப்போ நம்ம யாருக்கு, நம்ம இப்போ பஸ்லேயே இருக்கோம், ஒரு சீட்டில் ஃபஸ்ட் சீட் யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம், யா ஹேண்டிகேப்ஸ்க்கு, தென் அண்ட் தென் யாருக்கு ஹேண்டிகேப், தென் வி கேவ் அ ப்ரியாரிட்டி டு ஹூ, யாருக்கெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படின்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரியாரிட்டி, அந்த மாதிரி இந்த ஒர்க்கில் எந்த அலோகேஷன், எந்த ஒர்க் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாகி வரணும் அப்படின்றதோ, ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி. ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆர் தேர், ஒன்ஸ் அகைன் ஐ டோல் டு யூ, ஃபிஃபோ, எஸ்ஜேஎஃப், ரவுண்ட் ராபின், பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி. ஃபிஃபோ மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் க்யூ, ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஓகேவா? ஸோ எஸ்ஜேஎஃப்னா ஷார்ட்டஸ்ட், எது சின்ன ஒர்க்கோ அதை நம்மளே நினைப்போம், சின்ன ஒர்க்கை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடும் அப்படின்னு நினைப்போம்ல. ஸோ அதுதான் என்னது அப்படின்னா எஸ்ஜேஎஃப். தேர்ட் ஒன் ரவுண்ட் ராபின் ஷெட்யூல், ரவுண்ட் ராபின் சுற்றி சுற்றி வரும். ஸோ எல்லா ஒர்க்கும் அப்பப்போ அப்படியே டச் பண்ணிட்டே வரும். தென் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி, ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னா பஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஃபஸ்ட்டு சீட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ தட் கொஸ்டின் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், ஓகே? தென் ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.